गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस एंड दिस क्लास इज फॉर फिफ्थ क्लास एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। मींस मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर में बताया है कि इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति में किस तरह से हर एक चीज इंटरडिपेंडेंस है, मीन्स हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे मैंने बताया था, लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसे जो यूजफुल हो। सो उसमें हमने सबसे पहले एयर के बारे में, हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि वाटर एक अबायोटिक कंपोनेंट है लेकिन किस तरीके से यूजफुल है हमारे नेचर के लिए या हमारे लिए, जानते हैं। वाटर इज असेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। सर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वाटर होता है, वाटर मीन सब जानते हैं पानी होता है, तो पानी जो है बहुत जरूरी होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए ही पानी बहुत जरूरी होता है। और आपको पता ही है प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं करेंगे, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, इसलिए दोनों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, प्लांट्स नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। यू ऑल नो कि प्लांट्स को पानी की जरूरत इसीलिए होती है, प्लांट्स को पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्लांट पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, देन वो ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल्स, जो मिट्टी से या अंदर से जमीन से सारे मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है किसके थ्रू, पानी के थ्रू, बिकॉज पानी में सारे मिनरल्स मिले होते हैं, तो वो अब्सॉर्ब करता है सारे मिनरल्स और अपने रूट्स को पहुंचाता है, अपने जड़ों को पहुंचाता है, जिससे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वो एक मजबूत प्लांट बन पाता है। नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स लाइक कोकोनट एंड वाटर लिली। डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स होता है कि सीड जो है, कोई भी चीज का सीड होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, सो एक वाटर भी है, बहुत तरीके से होता है, एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। सो इसमें क्या है, वाटर इसमें हेल्प करता है कि जो कोकोनट के सीड होते हैं, बीज होते हैं, वाटर लिली के बीज होते हैं, इनको डिस्पर्स करने में हेल्प करता है, मीन्स एक से पेरेंट प्लांट जो होता है दूसरे प्लांट में देने में। नेक्स्ट, नियरली 70% ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ वाटर। सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हम ह्यूमन्स की बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी 70% मीन्स 70% किससे बनी है, सिर्फ और सिर्फ पानी से बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट है, इन एनिमल्स वाटर इज असेंशियल टू कैरी फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एनिमल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जो वाटर है, वाटर के थ्रू ही पूरी बॉडी में जितने भी विटामिंस, मिनरल्स या कोई भी चीज होती है, स्पेशली खाना, वो पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो उससे और क्या कह रहा है, टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो उसके थ्रू खाना ही पहुंचाता है, फिर उसके थ्रू क्या होता है, पानी के थ्रू उसकी बॉडी से पूरा वेस्ट भी रिमूव होता है, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में हो या फिर यूरिन के फॉर्म में हो। नेक्स्ट आपका सॉइल। अब सॉइल भी एक अबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन कैसे हेल्प हो रही जानते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स। सॉइल जो है प्रोवाइड करता है, मींस देता है, क्या क्या देता है आप देखिए, मिनरल्स देता है और वाटर देता है किसको, प्लांट्स को सपोर्ट के लिए, बिकॉज प्लांट्स जो है मिट्टी के अंदर ही तो होते हैं। नेक्स्ट, सॉइल इज अ होम टू मेनी एनिमल्स लाइक रैबिट्स। जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो घर है काफी जानवरों के लिए। कौन कौन से जानवर के लिए, जैसे रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गया, अर्थवर्म हो गया, सेंटीपीड्स हो गए, एंट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब के सब जो जानवर है मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, इनका मिट्टी ही घर होता है। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंस ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने एयर पढ़ा, वाटर किस तरह से यूजफुल है और जो सॉइल है वो किस तरह से यूजफुल है। आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम यूट्यूब स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।